बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। सर्दियाँ भी आती नहीं तो बच्चे शोर मचाने लग जाते हैं इस रेसिपी के लिए, और सर्दियों में वैसे भी दिल करता है कुछ अच्छा अच्छा खाते पीते रहने को। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए मोहब्बत के साथ, बहुत सारी चाहत के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो अपनी नानी दादी से सीखी गई ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जिसे खाने से सर्दी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जी, आपका टाइम जाया किए बिना अपनी जबरदस्ती रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये कि चावलों के आटे की करनी होगी हमें भुनाई अच्छे तरीके से, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमने ले लिया वह है 1/2 kg हमारे पास चावलों का आटा है। और हाँ, पिन्नियों के लिए चावलों का आटा जो है वो थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही पिसवाते हैं, बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं आपने बनवा लेना। ये आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त आटा है। अच्छे तरीके से यहाँ पर इस आटे की हम करेंगे भुनाई, जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए और जबरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज्यादा लोग भुनाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो कि पिन्नियां सफेद सफेद सी बनती हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप लोगों ने इसकी बनाई जो है वो जरूर करनी है। गैस का फ्लेम आप लोग मीडियम रखिएगा और चम्मच को चलाते रहिएगा ताकि ये ज्यादा ना डार्क कलर में आ जाए। आटे को जी यहाँ पे हमने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर ली हुई है। आप देख सकते हैं इसमें लाइट गोल्डन सा कलर जो है वो आने लग चुका हुआ है। तो बस जी इसी पॉइंट पे हम इसको उतार लेंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। आप लोग अगर मजीद डार्क कलर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ ही जी इसी बर्तन के अंदर हम ऐड करेंगे ये 1 कप के करीब हमारे पास सूजी है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त सा आता है पिनियों का, इसलिए मैं इसमें जरूर ऐड करूंगी। इसको भी हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये बहुत जल्दी कलर जो है वो पकड़ने लग जाती है, तो इसलिए आप लोगों ने पास खड़े होकर इसमें चम्मच को चलाते रहना है, ठीक है? और इसमें भी लाइट गोल्डन सा कलर लेके आना है आपने। 2 से 3 मिनट सूजी की भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें जबरदस्त सी खुशबू भी आने लग चुकी है, इसका कलर भी लाइट गोल्डन में आने लग चुका हुआ है। इसे भी अब हम निकाल लेते हैं और चावलों के आटे में ही ऐड कर देते हैं। और बिल्कुल इसी कढ़ाई में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास 1 कप के करीब मूंगफली है, इसको हमने जबरदस्त सा छील लिया हुआ है, इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। ये 1/2 कप के करीब हमारे पास ये नारियल है, इसकी भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त और बहुत बारीक कटिंग की हुई है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। इन दोनों चीजों की यहाँ पे हम सबसे पहले भुनाई कर लेंगे। गैस का फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल ही लो रखना है ताकि ये बिल्कुल भी ना नीचे लगे और ज्यादा डार्क कलर ना हो। 1/2 कप के करीब ये हमारे पास तिल है, आप कोई से भी ले सकते हैं। काफी ज्यादा दिन हो गए हैं मेरी कोई वीडियो भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कुछ घर के कामों में बिजी थी, तो मैंने आज सोचा क्यों ना, मेरी ऑडियंस मेरा इंतजार कर रही होगी, तो माशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं एक सर्दियों के हवाले से कमाल की रेसिपी ले आई। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह की और भी मजे मजे की रेसिपीज अब इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगी। इनको 3 मिनट के लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब ही हमारे पास किशमिश है, इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनमें से खुशबू भी जबरदस्त सी आने लग जाए और फ्लेवर जो है वो बहुत जबरदस्त निकलेगा। ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, बस आप लोगों ने फॉलो करते रहना है, इंशाल्लाह आप लोगों की भी पिन्नियां इसी तरह की जबरदस्त सी बनेंगी। 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनाई कर ली हुई है, इन्हें भी अब हम निकाल लेते हैं और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप में, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप में, जहाँ पे आप थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो आपकी पिनियां खराब हो जाएंगी। ये आ जाता है जी सबसे इम्पोर्टेंट वाला स्टेप। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1/2 kg से थोड़ा सा कम, मतलब ये कि 1/2 kg हमारे पास चावलों का आटा है और 1/2 kg गुड़ लेना है, लेकिन 1/2 kg नहीं लेना, आपने थोड़ा सा कम लेना है। और अगर ज्यादा मीठा आप लोग पसंद करते हैं तो बिल्कुल पूरा पूरा ऐड करिएगा। क्वांटिटी में गुड़ जो है वो बराबर का नहीं जाता, थोड़ा सा कम जाता है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव के करीब इसमें गुड़ ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ 1 कप के करीब पानी। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं कि पानी बहुत ज्यादा ऐड कर लेते हैं, तो पानी आप लोगों ने इसमें नहीं ऐड करना ज्यादा, सिर्फ 1 कप के करीब ऐड करना है। अगर चावलों का आटा 1 kg है तो 1 ग्लास पानी आप लोगों ने ऐड करना है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट टिप, आप लोगों ने इस गुड़ को बिल्कुल लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे
तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा और अजीब सा होगा। बस आप लोग इसमें चम्मच चलाते रहें और देखते ही देखते आप देखिएगा कि इसमें जबरदस्ती एक छोटी सी हल्की सी बारीक सी तार बंधने लग जाएगी। गुड़ हमारा मेल्ट होता है, हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा हम बर्तन लेंगे, इसमें हम ये ऐड करेंगे चावलों का आटा जिसकी हमने बुनाई की हुई थी और सूजी जिसको हमने मिक्स कर लिया हुआ था इसमें। और बड़ा सा बर्तन इसीलिए लेना है ताकि हमें मिक्स करने में हर चीज आसानी रहे। साथ ही जिसमें हम ऐड कर देंगे ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हमने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था, ये भी हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छे तरीके से यहाँ पे सबसे पहले इन सारी चीजों की हम मिक्सिंग कर देंगे और बाद में इसमें हम बाकी की चीजें ऐड कर देंगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चाशनी हमारी जो है वो बहुत जबरदस्त सी तैयार हो चुकी हुई है। आपने इसको हल्का सा बस यूं करके देखना है, बहुत ज्यादा तार नहीं इसमें बंद रही, इसका मतलब ये बहुत जबरदस्ती तैयार है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये सिर्फ एक पाव के करीब हमारे पास देसी घी है। ये देसी घी में पिनियां जब बन के तैयार होती है ना तो बहुत मजा आता है। हाफ के जी चावलों के आटे के लिए ये हमारे पास एक पाव घी जो है काफी रहेगा। अच्छे तरीके से इसको हम मेल्ट कर लेंगे। इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब जी ये चाशनी जाएगी और फौरन से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। और अच्छे तरीके से अब हम साथ ही साथ इसकी मिक्सिंग भी करते जाएंगे। फौरन फौरन आपने मिक्सिंग करनी है और फौरन ही आपने पिनिया बनाने स्टार्ट कर देनी है। आप देख सकते हैं इसकी मैंने बहुत जबरदस्त सी मिक्सिंग कर ली हुई है और अब मैं इसकी पिनिया बनाना स्टार्ट करती हूँ। अगर ये मिक्सर ठंडा हो गया ना तो पिनिया अच्छे से नहीं बनेंगी। इसको यहाँ पे सबसे पहले जिस साइज की भी आप बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। ज्यादा ये थोड़ी सी मीडियम साइज की अच्छी लगती है, ठीक है, बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं सर्दियों की एक हेल्दी और स्पेशल सौगात जो है वो बन के हो चुकी हुई है तैयार। आप लोग इसे बनाकर काफी दिनों तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं खराब होने वाली। आप चाहें तो आप इसे बच्चों को नाश्ते में दें या टिफिन बॉक्स में दें। बहुत कमाल की रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, बस स्टेप्स को फॉलो करना होता है और इंशाल्लाह कमाल की पिनियां आपकी तैयार होंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।